मैं रोजाना एक ऐसी औरत से इंस्पायर होती हूँ और मुझे स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं भी पावरफुल रहूं. और आज की स्ट्रेंथ दी है मुझे अनीता करीम ने. अनीता है ये, और अनीता तीन भाइयों की इकलौती बहन जिनको बड़ा लड़कों की तरह पाला गया हुंजा में. उसके बाद फिर जब इनके भाइयों ने जिम खोला मिक्स मार्शल आर्ट्स का, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो इन्होंने भी वहाँ ट्रेनिंग ली. और ट्रेनिंग लेने के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान की पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर जीत कर आई हैं ये बाहर से, और नाम रोशन किया आम खवातीन का. और जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था अरे औरतें औरतें, तो देखिए औरतें ही नाम रोशन कर रही हैं पाकिस्तान का. और सीरियसली अनीता कहती है कि लड़कियों को मिक्स मार्शल आर्ट सीखना चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए. आज की लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां घर बैठ जाती हैं. एक छोटे इलाके से जब वो गली कूचों में गुजरती हैं तो वहाँ लड़कों की आवाज़ें कसना और फजूल फजूल बातें करना, तो उन लड़कियों को भी इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें. अब वो वक्त आ गया है कि ये कोर्सेज भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में शुरू करवा देने चाहिए. आई गेस